स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी कॉन्सेप्चुअल एंड वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि अमित जो है यहाँ पे है, अमित जैसे अमित यहाँ पे है, उसने यहाँ पे कुछ गोल्ड खरीद लिया, कैपिटल बैंक गोल्ड। अमित पोल्स पे खड़ा था, पोल पहली बात तो धरती आप समझ ले, अर्थ। अर्थ को हम वैसे क्या मानते हैं कि पूरा का पूरा प्योर स्फेयर है, लेकिन है क्या, जरा सा एलिप्टिकल है, जरा सा एलिप्टिकल। एलिप्टिकल कैसा होता है, ऐसा घूम के, मतलब कि जो रेडियस है ना इधर तो ज्यादा है जरा सा, लेकिन इधर जो है कम है। इधर तो ज्यादा है लेकिन इधर जरा कम है, ठीक है। तो अमित ने क्या किया, पोल्स पे जो है गोल्ड खरीद लिया। एक किलो बड़ा महंगा है सोना आजकल, ज्यादा खरीद नहीं पाया, 2-4 ग्राम खरीद दिया, 2-4 ग्राम भी मतलब काफी महंगा है। अब अमित जो है वो यहां पे इसका वेट जो कुछ भी है, मान लो उसने यहां पे x ग्राम सोना खरीदा और वो अपने दोस्त से मिलने गया कहां पे, इक्वेटर पे, इक्वेटर जहां पे रेडियस ज्यादा है। रेडियस अगर आप सेंटर से करेंगे कंपेयर तो ये डिस्टेंस जो है, ये डिस्टेंस जो है दिस आर वन, दिस इज व्हाट आर टू, सो आर टू इज ग्रेटर देन आर वन, मतलब इक्वेटर पे रेडियस ज्यादा है। तो वो लेके ना इस सोने को यहां चला गया। अब अमित तो यहां पे जो लेके आया था, यहां पे उसने जब उसको वेट किया था तो क्या था, वेट क्या होता है, वेट होता है m इंटू जी, ठीक है, g की वैल्यू जो भी यहां पे रही, ठीक है, g1 मान लिया, क्या g1, और यहां पे वेट क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा m इंटू जी2। तो मास तो कभी नहीं बदलता, चाहे इक्वेटर पर ले आओ, धरती पर ले आओ, जुपिटर पर ले जाओ, सूरज कहीं भी चले जाओ, मास विल रिमेन सेम। लेकिन जी को देखते हैं क्या हालत है, जी को देखते हैं क्या हालत है, तो जी वन क्या होगा भाई, जी मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाई आर वन का होल स्क्वायर, यही है ना। तो G2 क्या होगा, ग्रेविटी एक्सेलरेशन क्योंकि ग्रेविटी एट इक्वेटर, जी एम ई इंटू आर टू का होल स्क्वायर। अब बड़ा कौन है, किसी ने बता दिया कि R2 बड़ा है R1 से, तो जब नीचे बड़ा आ गया तो इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, G2 विल बी लेसर देन व्हाट, G1। रेडियस डिनोमिनेटर बढ़ गया ना, डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वैल्यू जो है उसकी कम हो जाएगी, बाकी दोनों क्या है, सेम है, बाकी दोनों सेम है। या अगर आपको ऐसे करना हो G1 बाई G2, तो आप यूं पा सकते हैं कि ये जो है R2 स्क्वायर डिवाइड बाई R1 स्क्वायर आ जाएगा, या G2 विल बी G1 इंटू R वन स्क्वायर डिवाइड बाई आर टू स्क्वायर, और आर वन बाई आर टू, आर टू बढ़ाए तो एक से तो कम ही आ जाएगा, मतलब कि जी टू जो है कम हो जाएगा, मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वेटर्स पे कम है। ये आपको क्वेश्चन में भी दिया है, उसने इतनी सारी कहानी आपको नहीं फंसाई, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं। जैसे ही रेडियस बढ़ गया वैसे ही ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम हो गई। वेट क्या है, अभी जो G2 है ये कम है G1 से, M तो वही है, तो क्या हो जाएगा, W1 इज वॉट एम जी वन, और W2 क्या है एम जी टू, तो W2 डिवाइड बाय W1 क्या है भाई, एम जी टू डिवाइड बाय एम जी वन, एम से M गया
डब्ल्यू टू इज नथिंग बट जी टू बाई जी वन इंटू इंटू डब्ल्यू वन, और जी टू हमने पहले ही बता दिया कम है, तो ये टोटल वैल्यू क्या हुई, डब्ल्यू टू जो है डब्ल्यू वन से बोला भाई जी टू बड़ा है, जी टू क्या है छोटा है, किससे जी वन से, ऊपर छोटा नीचे, ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ठीक है क्या हो जाएगा एक से कम आ जाएगी वैल्यू। तो इसका मतलब अमित जब गोल्ड लेके गया वहां पे तो बड़ी भयंकर सिचुएशन में, लेके तो कुछ गया था और वो वहां पे कुछ गया, उसका वेट नॉट मास, वेट नॉट मास, ओके, तो उसको वहां पे हल्का प्रतीत होगा, ठीक है। चलो भाई थैंक यू।